दोस्तों वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, इस वीडियो में मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, तो बनी रही इस वीडियो के साथ। सबसे पहले दोस्तों आप देख लो एक बार कि बाइक पर कोई भी हॉर्न इंस्टॉल नहीं कर रखा है हमने। आप देख लो एक बार। तो चलिए अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो देखा दोस्तों, इसमें हमने प्रेशर हॉर्न इंस्टॉल कर रखे हैं। तो दोस्तों इसी के रिलेटेड आज की वीडियो के प्रेशर हॉर्न को कैसे लगाएं छुपाकर स्प्लेंडर में, तो बनी रही इस वीडियो के साथ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ले रहा हूँ दो हॉर्न विंडटोन जो कि टाइबा कंपनी के हैं। ये आपको 250 से 300 तक मिल जाते हैं ऑफलाइन मार्केट से। अगर आप इसे अमेजन से परचेज करना चाहते हैं तो आपको 350 तक मिल जाते हैं। अगर आप अच्छे वाले थोड़े मतलब के रूट्स कंपनी के परचेज करना चाहते हैं तो वो आपको 600 के आसपास मिल जाएंगे। इन सभी हॉर्न्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही ले लेते हैं एक रिले, मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मिंडा की रिले, ये आपको 80 रुपीज़ के आसपास मिल जाती है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक टेप चाहिए, एक वायर चाहिए। ये मैं दो यहाँ पर प्लेट से यूज़ कर रहा हूँ। ये आपको जो बाइक के साथ ही हॉर्न आते हैं उसके साथ ही मिल जाएगी। इसको आपने ऐसे बेंड कर लेना है और इसको नट की मदद से आपको इसको जोड़ लेना है, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट वाली है ये हॉर्न के साथ ही मिली थी मुझको। तो चलिए आप बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों सबसे पहले हम लॉकर के साइड वाले ढक्कन को ओपन कर लेंगे। चलिए अब इसे खोल लेते हैं। तो इसके दूसरी तरफ वाले को भी खोल लेते हैं। अब आपको एक 10mm की चाबी लेनी पड़ेगी इसके नट को खोलने के लिए। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो नट दिए हुए हैं इसके नीचे, आपको इसको भी खोल लेना है। चलिए अब जल्दी से इसे भी खोल लेते हैं। चलिए गाइस अब इसकी थोड़ी सी वायरिंग समझ लेते हैं कि कैसे करनी है। सबसे पहले आप जो राइट वाला हॉर्न देख रहे हैं उसकी जो वाइट वायर है इसको हम बाइक की चैसी के साथ लगाएंगे, और इसके साथ ही जो दूसरा वाला है उसको उसकी वायर को भी हम चैसी के साथ लगा देंगे। आप देख रहे हैं राइट वाले हॉर्न में दो वायर लगी हुई है, एक वायर को हम लगा देंगे इसके लेफ्ट वाले हॉर्न के साथ, जो एक जो वायर बचेगी इसकी वो हम लगाएंगे रिले में। तो चलिए अब इसे कर लेते हैं, बाकी कनेक्शन आपको आगे समझाएंगे।
लास्ट वाला टर्मिनल बचा है उसको हम लगा देंगे, जो हमारे हॉर्न की वायर रहती है एक, वो उसके साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अपना बिल्कुल कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए आप जल्दी से इसे टेप कर देते हैं अच्छे से। तो अब दोस्तों आपको ये प्लेट लेनी है और इसको टैंकी के नीचे एक नट होता है उसके साथ इसको लगा देना है। इसके साथ हम आसानी से हॉर्न को फिट कर पाएंगे और इस हॉर्न की एक वायर रह गई है जो इसको भी हम चैसी के साथ लगा देंगे। तो यहाँ पर अपना सारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं अब इसकी टेस्टिंग पे। अब दोस्तों हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इसे टेस्ट कर देख लेते हैं कि कैसे वर्क कर रहे हैं। तो देखा दोस्तों आपने, ये बहुत अच्छी साउंड कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस को लाता रहता हूं। अगर आप कुछ भी परचेज करना चाहते हैं जो भी इसमें इस वीडियो में यूज़ किया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।